नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको पावर सेविंग BLAC फ़ैन तो चाहिए लेकिन साथ में रिमोट की झंझटमारी नहीं चाहिए, जिनको इलेक्ट्रिसिटी की बचत तो करनी है लेकिन रिमोट की झंझटमारी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए मैं दो ऐसे सीलिंग फ़ैन लेकर आया हूँ जो BLAC भी है, पावर सेविंग भी है, लेकिन उसको रिमोट नहीं है। तो मैं ऐसे दो अलग अलग कंपनी की फ़ैन की बात करूँगा, उनके रिव्यू करूँगा और दोनों को कंपेयर करके आपको बताऊँगा कि कौन सा फ़ैन बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इन फ़ैन का ऑपरेट रेगुलेटर पर होता है। मैंने हमारे शॉप पर बहुत सारे ऐसे कस्टमर देखे हैं जिनका रिक्वायरमेंट होता है BLDC फ़ैन का, लेकिन उनको रिमोट का झंझटमारी नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो इसके बारे में एक वीडियो बना देता हूँ। मैं ऐसे दो फ़ैन चॉइस करके लेके आया हूँ जो आपको आगे वीडियो में बताऊँगा मैं। तो दोस्तों, फर्स्ट है क्रॉम्पटन कंपनी का ग्रो मॉडल, जो कि BLDC फ़ैन है, 5-स्टार रेटेड है, लेकिन इसको रिमोट नहीं है, ये अपना रेगुलेटर के ऊपर ही ऑपरेट होता है। और दूसरा फ़ैन है अटम्बर्ग कंपनी का रेनेसा प्राइम मॉडल है। ये फ़ैन भी पावर सेविंग है, 5-स्टार रेटेड है, BLDC है, लेकिन ये भी रिमोट के ऊपर काम नहीं करता, इसको भी आपको रेगुलेटर के ऊपर ऑपरेट करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इनके रिव्यू करता हूँ मैं। दोस्तों, क्रॉम्पटन के ग्रो मॉडल की बात करेंगे तो इसमें 1200 mm की साइज अवेलेबल है। इसके वेटेज की बात करेंगे तो ये सिर्फ 28 वैट का फ़ैन है, ये पावर सेविंग फ़ैन है, BLDC फ़ैन है, और साथ में ये विदाउट रिमोट पे काम करता है, इसको रेगुलेटर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, ये फ़ैन 60% तक पावर सेविंग करता है और साथ में कंपनी की तरफ से इसकी 5 साल की वारंटी आती है। और उसके बाद में इसमें जो RPM की बात करेंगे तो 350 RPM है इसका, और एयर डिलीवरी इसका 220 है, बहुत ही बेस्ट एयर डिलीवरी है उसका। इसके साथ ही दोस्तों, ये फ़ैन एंटी डस्ट है कुछ सिलेक्टेड कलर के लिए, और इसके साथ में एक सेफ्टी केबल भी आती है जो कि ऊपर के हुक और डायरेक्ट फ़ैन को अटैच होती है सेफ्टी के लिए। दोस्तों, इसके अंदर 5 कलर भी अवेलेबल है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस फ़ैन का जो मोटर है वो साइज में छोटा रहता है और इसकी जो ब्लेड है वो साइज में बड़ी रहती है और आगे से थोड़ी फैली हुई रहती है, तो इस कारण से इसका हवा बहुत ही अच्छा आता है। और इसकी ब्लेड जो है वो एल्युमिनियम की आती है, इसकी वाइंडिंग है प्योर कॉपर की रहती है। तो दोस्तों, फ़ैन बहुत ही अच्छा है। इसके साथ में कंपेयर करेंगे हम अटम्बर्ग कंपनी के रेनेसा प्राइम फ़ैन को, तो चलिए उसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। तो दोस्तों, रेनेसा प्राइम जो फ़ैन है अटम्बर्ग कंपनी का है और ये एक BLDC फ़ैन है, पावर सेविंग फ़ैन है। इसमें भी साइज़ की बात करेंगे तो 1200 mm की साइज़ में ये अवेलेबल है। तो ये फ़ैन भी विदाउट रिमोट वर्क करता है, रेगुलेटर के ऊपर कंफर्टेबल है ये फ़ैन, और ये फ़ैन 5-स्टार रेटेड है और 65% की बिजली की बचत करता है, कंपनी का ये कहना है। और साथ ही में कंपनी की तरफ से 3 ईयर की वारंटी आती है। और दोस्तों, इसके अंदर 3 कलर अवेलेबल है, ब्राउन, वाइट और आइवरी कलर। दोस्तों, ये इन्वर्टर के ऊपर 3 टाइम लॉन्गर चलता है रेगुलर फ़ैन से। और इसकी वेटेज की बात करेंगे तो ये 35 वेट लेता है। तो इसके RPM की बात करेंगे तो ये 350 RPM के साथ में आता है और इसकी एयर डिलीवरी है वो 225 है। और दोस्तों, इसकी जो ब्लेड है वो एल्युमिनियम की बनी हुई रहती है और इसकी जो बॉडी है, मोटर है, वो छोटी साइज़ में है और इसकी ब्लेड जो है वो बड़ी साइज़ में रहती है। तो दोस्तों, ये फ़ैन भी अच्छा है, हवा के लिए बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला है और इन्वर्टर के ऊपर दोनों अच्छी तरीके से वर्क करेंगे। अब दोस्तों, आपको तय करना है कि इसके अंदर आपको कौन सा फ़ैन अच्छा लगा है, कौन सा फ़ैन बेटर लगा है और आपके घर के लिए सूटेबल कौन सा फ़ैन है। मेरे हिसाब से अगर मेरी राय बताओ तो क्रॉम्पटन कंपनी का जो फ़ैन है वो मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि उसकी वारंटी भी 5 ईयर की है और साथ में 28 वैट लेता है, जबकि अटम्बर्ग कंपनी का फ़ैन 35 वैट कंजम करता है। तो इस दोनों नज़रिए से देखेंगे तो ये फ़ैन बहुत ही अच्छा है। क्रॉम्पटन कंपनी के फ़ैन के अंदर कलर के ऑप्शन भी ज़्यादा अवेलेबल है, जबकि अटम्बर्ग कंपनी के अंदर 3 ही कलर अवेलेबल है। तो दोस्तों, मैं प्रीफर करूँगा आपको क्रॉम्पटन कंपनी का ग्रो मॉडल, वही आप परचेज करें, लेकिन इसको मैं ऑफलाइन परचेज करने की आपको सलाह दूंगा, किसी रिटेल स्टोर से आप परचेज करें, ना कि ऑनलाइन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही किसी धमाकेदार वीडियो के साथ में।